हो गई है, ये मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि करवा चौथ आ रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक करवा चौथ स्पेशल मेकअप लुक शेयर करूं। ये न्यू ब्राइड्स के लिए ना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, एंड अगर आप न्यू ब्राइड नहीं भी हो तो भी अगर आप इस लुक को क्रिएट करोगे तो आप न्यू ब्राइड की तरह ही लगोगे। बहुत ही ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप रिलेटेड, सो अगर आप बिगिनर भी हो तो भी ये मेकअप लुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि मैंने ज़्यादातर मेरी मेकअप सिर्फ एक आई शेडो पैलेट से की है, एंड इस वीडियो को डेफिनेटली आप एंड तक देखिए, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए देन डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिए, क्योंकि मैंने इस तरीके की लुक फर्स्ट टाइम क्रिएट की है, सो आई नीड योर सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन। आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो। सो या चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैंने एज ए टोनर अप्लाई किया है गुलाब जल, ये पतंजलि की गुलाब जल है। इसे मैंने एक कॉटन पैड में लेके मैं मेरे पूरे फेस को क्लीन कर रही हूँ। ये 2-in-1 प्रोसेस है, ये मेरे फेस को क्लीन भी करेगा एंड एट द सेम टाइम एज ए टोनर भी वर्क करती है, विच इज़ बेस्ट। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र, सो मैं इसे लेके मेरे पूरे फेस में अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NYBay की प्राइमर, सो प्राइमर मैं अपने टी जोन में एंड अपने चिक में अप्लाई करके मैं इसे फिंगर टिप्स की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। ये परफेक्ट है ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एंड ड्राई स्किन के लिए भी अच्छी तरीके से ये सूट करेगी, क्योंकि ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। आपको अगर आपकी जो बेस मेकअप है ना वो फ्लॉलेस चाहिए देन प्राइमर इज़ अ मस्ट। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ Maybelline की superstay 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन। ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, सो इसलिए मैंने सिर्फ 2 पंप ली है इसकी एंड इसे मैं मेरे फेस एंड प्लस मेरे नेक में भी डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है एंड ब्यूटी ब्लेंडर को मैं इस पानी में डिप करके मैं इसे इस ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छी तरीके से स्क्वीज़ करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर में बिल्कुल भी पानी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्क्वीज़ करके सारे पानी को मैं निचोड़ दूँगी एंड इसके बाद मैं मेरे फाउंडेशन को इससे ब्लेंड करूँगी। ओके, इससे क्या होता है कि हमारी जो फाउंडेशन है ना वो बिल्कुल भी केकी नहीं लगती है एंड बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगती है। गाइस, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उन्हें नहीं मिलती है, सो अगर आपको भी नोटिफिकेशन मिलती है सो मेरे वीडियो में सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है ना उसे क्लिक करके आपको ऑल में प्रेस करनी होगी। ऑल में जब आप प्रेस करोगे तभी आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, सो काइंडली एक बार आप चेक करना कि आपने ऑल में प्रेस किया है या नहीं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है NYBay की कंसीलर, ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल कंसीलर है। इसे मैं मेरे हॉलोस ऑफ द चीक में इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, यानी जहाँ जहाँ पे डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन थोड़ा बहुत है, या फिर जहाँ जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरी फेस जो है वो थोड़ा बहुत हाईलाइट है, तो उसी एरिया में सिर्फ मैं इस कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं मेरे आईब्रोज के अराउंड भी इसे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाई है। सो इस तरीके से अगर आप आईब्रोज के साइड में कंसीलर को अप्लाई करोगे ना एंड जब आप ब्लेंड करोगे तो लगता है कि आपने थ्रेडिंग की है। सो या दिस ट्रिक आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। इसके बाद मैंने एक कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड फिर मैं कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड इससे मेरे आईब्रोज के जो अराउंड में मैंने कंसीलर अप्लाई किया था ना उस एरिया को मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ एंड यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो गई है अभी आईब्रोज भी। तो इसके बाद मैंने लिया है हिलारी रोडा की आई शेडो पैलेट, इसी आई शेडो पैलेट को आज मैं बहुत यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ से मैंने एक कम्पैक्ट पाउडर जो है ना उसे लिया है। इस आई शेडो पैलेट में आपको कम्पैक्ट पाउडर, हाईलाइटर, ब्लश, आई शेडो सब मिल जाती है, तो ये बहुत ही यूज़फुल पैलेट है। इसका सेपरेट रिव्यू भी मैंने शेयर किया है। इसके बाद मैंने इसी पैलेट से एक डीप ब्राउन कलर शेड लिया है एंड इससे मैं मेरे आईब्रोज को फिल करूंगी। यहाँ पे कोई भी मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करूंगी, इस आई शेडो पैलेट में जो डीप ब्राउन शेड है उसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ। सबने देखा कि एक आई शेडो पैलेट का ऑलरेडी मैंने 2 यूज़ कर लिया है, एक एज ए कम्पैक्ट पाउडर एंड नेक्स्ट एज ए आईब्रो पेंसिल या फिर आईब्रो को ग्रूम करने के लिए मैंने यूज़ किया है। इसके बाद मैंने एक पिंक कलर की आई शेडो पिक की है, ये थोड़ा सा लाइट पिंक कलर है एंड इसे लेके मैं मेरे क्रीज में ब्लेंड कर रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। इसके बाद मैंने एक पर्पल शेड लिया है एंड इस पर्पल शेड को मैं मेरे आईज के आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ एंड ये एक एंगल ब्रश है तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक भी देती है।
सो इससे लेके मैं मेरे आउटर कॉर्नर में अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं फिर से पिंक जो शेड है ना उसे लेके मेरे आईज़ के जो मिडिल है उन मिडिल पार्ट में मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड साथ ही मैं आउटर कॉर्नर में इससे थोड़ा सा ब्लेंड भी कर रही हूँ। इसके बाद मैंने एक लिया है गोल्डन शेड, ये गोल्डन शिमरी शेड है। सो इसे लेके मैं मेरे आईज़ के इनर कॉर्नर से आईज़ के मिडिल पोर्शन तक मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे तरीके से। बाकी जो भी कलर्स मैंने अप्लाई की थी ना वो सारी मैट थी, सिर्फ ये गोल्डन कलर ही शिमरी है। और फिर मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे तरीके से इसे मेरी क्रीज लाइन में एंड मेरे आउटर कॉर्नर के आई शेडो में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने कंसीलर लिया है, ये NYB की कंसीलर ही है। इसे लेके मैं मेरे आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ ताकि एक शार्प एंड नीट लुक आए। यू कैन सी इसे अप्लाई करने के बाद मेरी जो आई शेडो है ना वो कितनी ज़्यादा शार्प लग रही है। सो इस ट्रिक को आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो या फिर आप सेलो टेप को भी थोड़ा सा लगा के आई शेडो को अप्लाई कर सकते हो नीट लुक के लिए। इसके बाद मैंने लिया है एक पेन आई लाइनर, ये आई लाइनर एक्चुअली मुझे फ्री में मिली थी। एक मैंने चीज़ ऑर्डर किया था ऑनलाइन से जो आई लैशेस थी उसके साथ मुझे आई लाइनर फ्री में मिली थी। सो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की भी है ये। एंड या इसे मैं विंग आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, इसे विंग आई लाइनर ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा ईजी होती है। एंड और एक बात, मैंने यहाँ पे बालों में बहुत सारे ब्रेड्स करके रखी है क्योंकि इस जब मैं इसे ओपन करूँगी ना तो मेरी हेयर्स काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनियस लगेगी, सो इसलिए मैंने ब्रेड करके रखी है। ओके सो आईलाइनर को अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है NYB की काजल, ये काफ़ी ज़्यादा वाटरप्रूफ काजल है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। यहाँ पर मैं एक थिक काजल ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि यू नो आई लव थिक काजल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है आपकी आईज। तो इस तरीके से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से काजल को अप्लाई कर रही हूँ। सो काजल को अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है सिवाना कलर्स की अल्ट्रा ब्लश पैलेट। एंड इस पैलेट से मैंने ये ब्राउन शेप पिक किया है कंटूरिंग के लिए। इससे मैं मेरे हॉलो सुधर चीक को कंट्रोल कर रही हूँ, मेरे फोरहेड को कंट्रोल कर रही हूँ, थोड़ा सा नोज को भी कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि मुझे हिलारी रोडा के आईशैडो पैलेट में परफेक्ट ब्राउन शेड नहीं मिला फेस को कंट्रोल करने के लिए। जो शेड था वो मेरे स्किन से थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क था, तो इसीलिए मैंने सिवाना कलर्स की अल्ट्रा ब्लश पैलेट ही यूज़ की है। इसके बाद सेम मैंने हिलारी रोडा की आई शेडो पैलेट से ये पिंक कलर के ब्लश शेड को पिक किया है एंड बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने ब्लश लेके मैं मेरे चिक्स में अप्लाई। आई शेडो पैलेट में आपको कंटूर के अलावा ना आपको बाकी सब कुछ मिलती है, यानी बाकी जो भी मेकअप प्रोडक्ट है हाइलाइटर ब्लश कॉम्पैक्ट सब मिलती है। इसके बाद सेम इसी पैलेट से मैंने फिर से एक हाइलाइटिंग शेड को पिक किया है एंड इस हाइलाइटिंग शेड को मैं मेरे चिक बोन्स में, मेरे नोज में, ब्रिज ऑफ द नोज में, फिर मैं मेरे चिन में एंड थोड़ा सा क्यूपिड बो में अप्लाई कर रही हूँ। एंड थोड़ा सा मैं मेरे फॉरहेड को भी हाईलाइट करूँगी इसी हाइलाइटर से, बहुत ही प्रीटी हाइलाइटिंग शेड है ये। इसके बाद सेम पैलेट से मैंने फिर से जो कॉम्पैक्ट की शेड है ना वो लिया है एंड उसे लेके मैंने जहाँ पे भी कंट्रोलिंग की है ना उसके नीचे मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ ताकि कंट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा नीट लगे देखने में। इसके बाद आप मैट लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हो मैरून कलर की या फिर कोई भी कलर की, या फिर आप सेमी मैट लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टे क्वर्की की मिनी लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने मेरे हेयर्स को ओपन कर दिया है एंड यू कैन सी थोड़ा सा वॉल्यूम भी आई है। एंड इसके बाद मैं मेरे इयर रिंग्स एंड ज्वेलरी ये सब मैंने वेयर कर ली है। एंड इसके बाद मैं मेरे हेयर स्टाइल को बना रही हूँ। हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है, मैंने मिडिल पार्टीशन की है एंड आगे की तरफ से थोड़ी सी बालों को मैंने लिया है एंड ट्विस्ट किया है एंड फिर बॉबी पिन की हेल्प से मैंने इसे सिक्योर कर दिया है। सेम प्रोसेस मैं फॉलो करूँगी दूसरे साइड के बालों में, आगे की तरफ से थोड़ा सा बालों को मैंने निकाल दिया है एंड फिर थोड़ा सा बालों का सेक्शन लेके मैंने इसे ट्विस्ट करके बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर दिया है एंड दैट्स इट। बहुत ही ईजी हेयर स्टाइल है एंड यू कैन सी मेरे बालों में काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम आया है क्योंकि मैंने इससे पहले मेरे बालों में अच्छी तरीके से ब्रेड बना के रखा था। सो इसके बाद मैंने एक फ्लावर अप्लाई किया है, ये टोटली ऑप्शनल है। एंड मैंने यहाँ पे लिपस्टिक वेयर करा है मेरे एज ए सिंदूर क्योंकि मेरी तो शादी नहीं हुई है सो इसलिए मैं लिपस्टिक ही अप्लाई कर रही हूँ एंड मैंने थोड़ा सा वी शेप में लिपस्टिक का अप्लाई किया है। एंड ये बहुत ही ईजी ट्रिक है सिंदूर या फिर जो भी आप अप्लाई करो। सो या दैट्स माई फाइनल लुक गाइस। सो गाइस आपको कैसा लगा ये लुक डेफिनेटली मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आप लाइक करने में काफ़ी ज़्यादा कंजूसी करते हो सो डेफिनेटली लाइक कीजिए। शेयर कर सकते हो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे और भी वीडियोस आगे देखते रहने के लिए। सो मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।